अब खबर भोजपुर से है, जहां पर गौहरगंज में माइनिंग विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध परिवहन करते 3 डंपरों को पकड़ा है। जब्त डंपरों को थाने ले जाते समय ड्राइवर ने एक डंपर को पलटा, मौके से ड्राइवर फरार है। डंपर में बैठा पुलिसकर्मी बाल बाल बच गया। भोपाल जबलपुर हाईवे पर शमनापुर गांव के पास का ये पूरा मामला है, जहां पर डंपर पलट गया और जब्त डंपरों को थाने में यहां पर यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। अवैध परिवहन करते 3 डंपरों को पकड़ा गया। जबलपुर हाईवे पर शमनापुर गांव का यह पूरा मामला है। गौहरगंज में माइनिंग विभाग द्वारा ये बड़ी कार्रवाई। रायसेन खनिज विभाग ने आज गौहरगंज थाना अंतर्गत एक बड़ी कार्रवाई की है और उस कार्रवाई में खनिज विभाग ने जो है कि 3 अवैध परिवहन करते हुए डंपरों को पकड़ा है। हालांकि इस डंपर में एक डंपर को जो है कि ड्राइवर ने अपनी होशियारी से पलटा दिया था, जिसमें खुद एक माइनिंग का सिपाही बैठा था। बाल बाल उस माइनिंग के सिपाही की जान बची है। मेरे साथ जिला खनिज अधिकारी आर.के. केथल जी मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, किस तरीके की कार्रवाई हुई है ये और जो डंपर जो पलटा है वो क्या मामला है? हम लोग शमनापुर में चेकिंग के लिए जा रहे थे, जैसे हम घुसे जंगल से 34 मील के पास से रास्ता जाता है वहां शमनापुर का, तो जैसे हम जंगल क्रॉस किए ये 3 डंपर हमको मरम के भरे हुए मिले। तो हमने हमारे 2 सिपाही थे, हमने 2 बिठाल दिया दोनों डंपरों में, वो लेके आ गए। और एक में डीजल खत्म हो गया था तो उसको हम डीजल की व्यवस्था करवा कर उसमें डीजल डलवा करके फिर लेके आए। तो एक डंपर तो बीच में खड़ा हो गया, तो हम उसके देखने लगे तो आगे वाला जो डंपर था उसने जानबूझ करके ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी को पलटा दिया, जिससे कि उसको थाने नहीं जाना पड़े और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सके। इस कारण उसने जानबूझ के पलटाया था गाड़ी, जिसमें हमारे सिपाही भी थे, उनकी भी जान बच गई है। तो ऐसी हरकतें ये जानबूझ कर करते हैं, कोई ऐसा नहीं कि दुर्घटना बस ऐसा संयोग बस ऐसा हुआ है। कैमरामैन अमित के साथ देवेंद्र चौहान, न्यूज 24, गौहरगंज।